बजट वजट सब हम लोग का हिला नहीं सबको। ये अभी 100 रुपीज पड़ा है और अभी हम लोग बाजू से दुकान में लिया 200 पड़ा है। बहुत है बहुत है। गोवा का जो नाइट लाइफ है ना वो सबसे बेस्ट है। मैं ना इधर गोवा में एक पार्किंग का बहुत दिक्कत है। तो अभी हम लोग पहुंच के एक चर्च में, नाम एग्जैक्टली पता नहीं, तो अभी पता करता हूँ नाम क्या है। तो आई नो बैंड्रा माउंट मेरी, तो बैंड्रा माउंट मेरी जैसा तो वो लेडी इम्पैक्ट आई थिंक नाम है, लेट्स सी। तो आई थिंक जिगजैग वाला जो होता है ना, यहाँ पे बहुत शूटिंग हुआ है। सो अभी मिलते हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत काला काला हो गया, अभी एक्सीडेंट भी देखा हमने। तो काला वो टैंक वगैरह निकाल रहे थे हम लोग, रख दिया गया ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर ऑयली मतलब वेट टिश्यू पेपर है जिससे हम लोग अपना ब्लैक निकाल रहे हैं, कार्बन पूरा निकाल रहे हैं। सो एनीवेज अभी ऊपर मिलते हैं, सीधा फोटोशूट करते हैं और निकलते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। कुछ मिला तो मैं आपको बताता हूँ। कैमरा ऑलमोस्ट डेड, अभी मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ। आईफोन एक्स बताना जरूरी, आईफोन यूज़र है तो आईफोन यूज़र है तो बताना पड़ता है कि आईफोन एक्स से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें भी बैटरी 36% है, या क्वालिटी भी अच्छा आता है आईफोन का। तो लेट्स सी देखते हैं। तो अभी हम लोग, अभी तक पता नहीं चला मेरे को कौन सा चर्च है, बट लेट्स सी अभी दिखाता हूँ कौन सा। द लेडी आगे का मुझे भी नहीं, इंसेप्शन समथिंग। एनीवेज अभी यहाँ पे प्री शूटिंग हो रहा है, देख सकते हो। इमैक्यूलेट शूटिंग नहीं हो रहा है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। तो अभी हो गया हम लोग का शूट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बजने को आ गया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कलंगुट ब्रिज, यहाँ से कुछ 16 किलोमीटर है, 40 मिनट्स बता रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। तो लेट्स सी, बटरफ्लाई बीच भी जाने का वो अभी कल जाता ना, आज आज हम लोग कलंगुट और बागा बीच घूमेंगे। और एक कौन सा जो मार्केट है, कौन सा है, क्लब टिटोस गोवा मार्केट, कौन सा टिटोस। तो प्लान में अभी चेंज है हम लोग का, मेरा कैमरा पूरा डेड हो गया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, रेस्ट करेंगे 1 घंटा क्योंकि मेरा दोस्त भी थक गया, हम लोग भी थक गए। सो 1 घंटा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग नाइट में बागा बीच घूमेंगे, देखेंगे कैसा, अदरवाइज कल भी घूमेंगे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, 33 मिनट्स बता रहे हैं, 12 किलोमीटर है। बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत बुरा दिन घूम के, मेरा भी नींद, क्योंकि रात को नींद भी नहीं मिला हम लोगों को, तो इस तरीके से इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मिलते हैं अभी होटल में सीधा। तो अभी मैं हूँ होटल में, एक्चुअली हम लोग आ चुके हैं 1 घंटे पहले ही, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, मेरा कैमरे का बैटरी भी डाउन हो गया था। तो अभी हम लोग होटल में है, तो प्लान अभी हम लोग का कलंगुट और बागा बीच और एक कौन सा तो मार्केट है वहीं पे जाना है। तो अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है। सो हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि गोवा में नाइट आउट कैसा होता है, नाइट लाइफ कैसे होता है, तो वो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने। हम लोग टिटोस भी जाने वाले हैं। हाँ, तो टिटोस मार्केट के बारे में बात कर रहा था। तो टिटोस हम लोग जाने वाले हैं अभी, शायद कुछ मार्केट है शॉपिंग करना है, तो उसी हिसाब से तो हम लोग अभी रेडी हो गए। एक्चुअली हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग गोवा का नाइट लाइफ चेक करना चाह रहे हैं। करेक्ट। तो अभी जो हम लोग एक क्या देख रहे थे, बोटिंग देखा था, क्या सही था? आई थिंक हम लोग क्रूज टाइप है, तो हम लोग शायद कल जाएंगे। लेट्स सी, अगर प्लान अच्छे से हुआ तो कल जाएंगे, अदरवाइज और भी बहुत सारे प्लान है। 3 दिन हम लोग का स्टे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कलंगुट बागा एंड एक मार्केट है वो, बस। तो निकलते हैं अभी जा, और कुछ है नहीं बताने के लिए खास। तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन घूमने के लिए, आज का 2 स्पॉट हो गया कम्प्लीटली पूरा, तो बहुत ही मजा आया करने के लिए। अभी बेस्ट डे इन आवर लाइफ, या हम लोग के ग्रुप का बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिले यार दोस्त लोग, कॉलेज के बाद हम लोग का ये दोस्त मिले हैं। सो अभी मिलते हैं कलंगुट बीच में सीधा, क्योंकि अभी मेरा कैमरा कब तक चलेगा पता नहीं, चार्जिंग तो किया हूँ बट 1 घंटा में भी चल सकता है, क्योंकि कैमरा चाहिए मुझे व्लॉगिंग के लिए। सो मिलते हैं सीधा कलंगुट में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कलंगुट बीच के लिए। तो कलंगुट यहाँ से 4.4 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। तो नाइट का लाइफ कैसा होता है अभी हम लोग को पता चलेगा, किस तरीके से जाएगा। तो मेरा बाल तो ख़राब हो चुका है, तो ऐसे ही ख़राब होगा क्योंकि मेरा आगे जो बाइक चला रहा है वो है मुस्तफ़ा, मिस्टर मुस्तफ़ा खान, यू कैन सी। यो यो या, तो ये मेरा बाइक चला रहा है आज, आज पूरा दिन मैंने ड्राइव किया, आज ये ड्राइव करेगा रात को। या तो पीछे मेरे दोस्त लोग आ रही है बाइक पे। ये गोवा का सबसे बेस्ट बीच है। तो अभी हम लोग कलंगुट बीच पे आ गए। मुझे लगा ना उधर पार्किंग उधर लगा, क्या हुआ कैसा भी चलाता है, सुना है कि बहुत गंदा चला रहे हो भाई, क्या चलाता है, इसको चलाने नहीं आता। क्या
सो अभी मेरे फ्लैश आया, दोस्त ने फ्लैश मारा है, तो मेरा बैकग्राउंड का नज़ारा कुछ काफ़ी है। यहाँ पे सब सीटिंग अरेंजमेंट है, तो आपको लेना है तो मुझे पता नहीं कितने का मिलता है। एनीवेज जो भी है मज़ा लेते हैं यहाँ का। अभी हम लोग को सीधा भागा भी जाना है, अगर कुछ खाने को मिलता है तो खाएंगे वरना कल डे। कैसा लग रहा है? हाँ, हम लोग अभी रात में आए, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा इधर, पर फिर भी ऐसा एक राउंड लंबा चौड़ा मार के आए। और स्पेशली मैं आप लोग को एक गाइड करना चाहूँगा, अगर आप एक इंडियन और कपल हो या ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या अन्य गर्लफ्रेंड हो, बिकॉज सिक्योरिटी भी इज़ गुड, लाइक लड़कियों के लिए तो अच्छा है सिक्योरिटी, बट फिर भी यू नो थोड़ा और ये बंदा आज भी इस ब्लॉग में कुछ नहीं बोला। आपने लास्ट ब्लॉग मंजीत किशन पे देखा रहेगा जो हम बीबीक्यू में थे, तब इसने थोड़ा बहुत नहीं बोला था, बट आज भी नहीं बोल रहा है। एक्चुअली बहुत टायर्ड है, सब मतलब हम लोग कम से कम 50 किलोमीटर ट्रेवल किया आज, और इसने चलाया, ये चलाया, ये बंदा चलाया, दोनों काफी टायर्ड नहीं हो? मैं तो टायर्ड, इवन मैं भी टायर्ड, मैं अभी भी 100 किलोमीटर चला हूं, मैं भी अभी 200 किलोमीटर। इसके पास एनर्जी क्यों जुड़ी है? इसके पास बोल बच्चा एनर्जी ड्रिंक है जो ये पीता रहता है, ये अंदर इसके अंदर ताकत है, एक्स्ट्रा कैमल की जैसे पावर रखता है अंदर रखता है, इसलिए वो बेस्ट ड्राइवर है, बेस्ट अच्छा चलाता भी, एकदम कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस भी है, जो जिस हिसाब से पकड़ा उसमें तो पकड़ भी नहीं पाता उस हिसाब से। और हमारे लीडर ने हमें अच्छी तरह से गाइड किया, तो अभी तक का तो सो फार सो गुड अच्छा गया। जिस हिसाब से मैंने जब सोचा था ना उस हिसाब से काफी अच्छा गया, डेफिनेटली जैसा प्लान किया था, बजट वजट सब हम लोग का हिला नहीं, सुपर मैनेज करके एकदम अच्छा जा रहा है। मंजीत भाई ने ऑफिस के जैसे बाइस्टेक कंपनी का एक्सेल, अभी हम लोग कल फिर से इधर आएंगे एक्सप्लोर करने, फिलहाल तो कुछ देखिएगा, इसलिए कल फिर से आएंगे एक्सप्लोर, डेफिनेटली बिल हम लोग धूप में आएंगे, भले टैन हो जाए, बट हम लोग आएंगे। अभी हम लोग को वाटर स्पोर्ट करना है, अभी हम लोग वाटर स्पोर्ट करना है, मतलब अभी जो नेक्स्ट हम लोग क्लिप देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो हम यहाँ से कोई दूसरी जगह करेंगे। टिल दैट बाय। नौकरी करता हूँ लेकिन, अरे कोई नहीं, मुस्तफा ले गए, ले मुस्तफा 280 का आपके जी, ये 350 बोले, 350 400 450 480 550। अब इधर देखो छिलके में 600 रुपए के जी, इसमें एक दो पीस जलावा मिलेगा, एक पीस टूटा हुआ मिलेगा, 350 आपके जी एकदम फ्रेश, 380 बड़ा साइज एकदम फ्रेश, और ये सॉल्टेयर वगैरह एकदम फ्रेश, इसकी नॉर्मल गारंटी है, वह टूटा मिल जाएगा और एक दो पीस जलावा मिल जाएगा, फेले बोलते हैं। अच्छा, इस दो क्वालिटी के बारे में। अब आपको 450 रुपये के जी भी मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई गारंटी नहीं, वो बड़ा घर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग फिलहाल मुस्तफ़ा जो है वो काजू लेने आया है, और मुस्तफ़ा को जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है, वो काजू ले रहा है, फूफू को जो है कंफ्यूजन उसका, देखते लेट्स सी विच वन विल बी मूफू, कौन सा लेगा। और यहाँ पे जो है बेस्ट काजू मिलता है, अगर आप लोग यहाँ आना चाहो कभी भी आओ, तो यहाँ से बेस्ट काजू आपको मिलेगा। ब्लॉगर मिस्टर मंजीत निसर जो है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, लेट्स सी ही हाउ कैन ही बार्गेन। ये देख रहे हो आप मुस्तफा कैसे बार्गेन कर रहा है, और तेजस सिर्फ देख रहा है, वो खरीदेगा नहीं, वो सिर्फ खरीदेगा नहीं, वो आज भी पुराने जमाने के जैसे कि मैं फोन करके गोवा काजू। तो अभी हम लोग कैलिंगवुड बीच पे गोवा काजू एक होलसेल दुकान है, तो हम लोग को ये अभी 100 रुपीज़ पड़ा है, और अभी हम लोग बाजू से दुकान में लिया 200 में पड़ा है, तो मतलब सोचो कितना रेट कम है यहाँ पे, लाइसेंस अप्रूव्ड शॉप है और लाइसेंस अप्रूव्ड है, जो क्वालिटी है वही क्वालिटी। तो कैलिंगवुड आओगे तो यहाँ से लेना, बहुत सस्ते चीप में मिलता है, तो ऑलमोस्ट आधा आधा डिफरेंस है पूरा। तो अभी 10 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बाघा बीच, यहाँ से कुछ 10 मिनट 2 किलोमीटर से, तो कैलिंगवुड में हम लोगों ने कुछ ड्राई फ्रूट्स या काजू कतरी लिया है, सॉरी काजू शॉपिंग किया, थोड़ा खाने पीने का, यहाँ पे जो हम लोग को होलसेल मिला बहुत ही सस्ते में मिला है, तो अभी कुछ भूख लगा है, बस वहीं पे जा रहे हैं, कुछ खाएंगे बाघा बीच के यहाँ पे। मैं पब तो टिटोस, ए टिटोस देख। तो अभी हम लोग टिटोस के एरिना में, बट नहीं आई थिंक यही मार्केट के क्या है, लेकिन गोवा बीच ही दिखा वाला एरिया, वॉक एंड इन फ्री लेडीज, खड़े रहते क्या मिला कोई, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है ना, पूरा रास्ते पे रे, ये पूरा सब एक्टिव ही पड़ा है, सब टूरिस्ट का है।
नागा रिसोर्ट बार। अभी हम लोग ये बागा बीच पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कितना मजा आ रहा है। तो बागा बीच में आके यहाँ पे एंजॉय करना कुछ मजा ही है, अलग ही है। तो मेरे दोस्त लोग बहुत आगे निकल गए, हम लोग बहुत पीछे है क्योंकि हमको कॉल आ गया और मैं कुछ इंक्वायरी कर रहा था उसके जैसे। तो अभी बस घूमना है, आपने वीडियो देख लिया कितना फन है यहाँ पे यार, मस्त है पूरा पब लाइन लाइन से यार, बहुत मजा आ रहा है। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नाइट लाइफ। बट एक ही दिक्कत है पार्किंग का यार, बहुत मजबूत है यार पार्किंग का। बहुत मजबूत है पार्किंग। अभी अभी हम लोग का बहस हुआ, अभी हम लोग का फाइट हुआ, बहस हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बड़ी तरह हुआ। तो बागा बीच में हम लोग को जुगनू दिख रहा है, पकड़ रहा है मुस्ता, पकड़ में कैसा दिखता है, क्या हुआ? जुगनू मिला, जुगनू इसको इंग्लिश छोया। अरे वो ये बैंड का बैंड है क्या पोपट भाई? तो इसके हाथ में देख रहे हैं फुकड़ वाला लेके घूम रहा है। अभी हम लोग को जुगनू के चक्कर में एक बैंड मिल गया और ये यूज करने वाला है। ये लेकिन लेकिन तू गया किधर था, गया किधर था? नहीं वो छोड़, तू अभी किधर गया था वॉशरूम के लिए? मैं अभी किधर गया था? हाँ तो ये वाला वॉशरूम जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे गया था तू? वो भी उधर घुस भी रहा था तू? हाँ सूरज है ना इसको, ये कितना कितना भूख लगा इसको ना, इसलिए ये पूरा चाटा है, ये पूरा उंगली से चाटा है, उंगली का निशान भी है और ये भी उंगली से पूरा चाटा है ये बंदे ने पूरा उंगली से चाटा है। और ये बंदे का पूरा ये स्वीट लाइम पूरा गिर गया पैंट पे। और अभी ऑर्डर करने वाले बहुत, यहाँ पे नुकसान भी नुकसान बोल ऐसा पूरा गिर गया मेरा, 45 रुपीज़ वेस्ट हो गया। क्या बोलो कितना रुपीज़? 45। स्वीट टाइम और एक ले गया, केस में बैठा हो गया, ऑलमोस्ट डन। अभी ऑलमोस्ट 12 बजने का आया ना, 12 बज रहे ना, तो आज का यहीं पे समाप्त करके सीधा घर पे मिलते हैं यार। गोकालो अभी कुछ एक बजे, रात के एक बजे, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो जस्ट आराम किया, कपड़े भी चेंज किए, आके थोड़ा आराम किया, सब लोग ने मस्त नहाए है तो ठंडा इतना अच्छा फील हो गया, नींद जैसा आ रहा था, थोड़ा झपकी लिया तो अभी उठा हूँ मैं। तो आज का दिन बहुत ही, और ये वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है, तो अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अभी उठ के अभी टाइम पास करके बस ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। तो आज का एक्सपीरियंस हमारे दोस्त थोड़ा शेयर करेंगे, हम लोग को गोवा क्यों आना चाहिए, क्योंकि बहुत जन से हम लोग सुनते हैं कि गोवा 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 क्या है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इसका दो टाइम है, बट यहाँ पे आने के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है, गोवा क्यों सब लोग जाते हैं, तो ये भी एक्सपीरियंस ये भी शेयर करेगा, मैं भी शेयर करेगा। बाकी ये दो बंदे जो यहाँ पे क्या कर रहे पता नहीं, टाइम पास कर रहे, तो ये लोग भी अपना राय बताएंगे। तो इनसे सुनिए भाई, गोवा क्यों आना चाहिए और इसमें खासियत क्या है। गोवा का जो नाइट लाइफ है ना वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग जाके आए बागा बीच, वहाँ पर जो लाइफ है ना इधर का वो सबसे ज़्यादा ही बेस्ट लगा मेरे को। वहाँ का जो एम्बियंस था सब कुछ सब मतलब एकदम भारी था, बहुत मज़ा आया सब देख के। अरे ये हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत, हंस रहा है ये लोग, लड़के जैसा बिचिंग बिचिंग चल रहे थे, कैसे बैठे हैं, टॉवल लिए। ये क्या है ना, इधर गोवा में एक पार्किंग का बहुत दिक्कत है, लोग ना ये हम लोग प्रॉन्स एंड कॉन्स भी बताएंगे कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो मेजर प्रॉब्लम लेकर पार्किंग का तो ये बताया, क्योंकि ये सब कुछ देखा पार्किंग का जो प्रॉब्लम क्या इशू है ना, कि पार्किंग जो रहता ना वो लोग पार्किंग का चार्ज बहुत ज्यादा लेते, जहाँ हम लोग 10 रुपए का पार्किंग करते लोग 30-40 रुपया पार्किंग का ले रहे, इधर बीच पे जाओ 5 मिनट के लिए तो उधर 10-10 रुपया 20-20 मतलब कैसा कि एक मतलब फिक्स रेट नहीं है कहीं पार्किंग, कहीं पे 50-20-40-30 ऐसा, कहीं कहीं जाओ तो 20-30 ऐसा। तो अभी हम लोग वो दे के आ गए, बाद में हम लोग ने जाके KFC में खाना खाया, मतलब बोलते ना यहाँ पे आके KFC खाना खाए। एक्चुअली सच बोलो गोवा में जो है ना फूड जो खाना है ना expensive. वो इतना एक्सपेंसिव है ना, मतलब मिडिल और नॉर्मल लोग के लिए वहाँ पे बैठना मतलब, और कैसे कि क्वांटिटी भी नहीं मिलता और बहुत अच्छी बहुत महंगा भी होता है।
तो उस हिसाब से तो हम लोग को पेट भरने के लिए थोड़ा महंगा करके मतलब बजट भी देखना पड़ता, तो उस बजट के हिसाब से हम लोग ने खा लिया और काफी पसंद भी आया सबको, सबका अच्छा पेट भर गया। उसके बाद घूम फिर के हम लोग वापस घर पे आ गए, काफी टायर्ड थे, काफी रेस्ट किया और अब जाके ये बना रहे हैं। अभी मिस्टर मंजीत निशा इसको आगे का प्रोसेस, तो आगे बस यही है कि कुछ नहीं, हम लोग ने कुछ छोटे मोटे स्नैक्स लिए क्योंकि मॉर्निंग को हम लोग कुछ खाना है, यहाँ पे भी होटल में बहुत सारे महंगे मिलते हैं, तो हम लोग ने स्नैक्स खरीदे, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ हम लोग ने न्यूट्रेला वगैरह समथिंग खरीदा है। तो इन लोगों को बहुत मस्ती चढ़ी हुई है और ये छुप छुप के भाग रहा है क्योंकि इसने टॉवल पहना है। कैसा छुप रहा है वो, पक्का डरूंगा। तो इस तरीके से थोड़ा मस्ती होती रही तलमुख में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा नींद उड़ चुके हैं, गोवा में आके सोना मतलब अच्छी बात नहीं होटल में। तो अभी हम लोग यहाँ पे पबजी खेलेंगे। yes, तो हम लोग का रोज का टाइम है रात को 3 बजे तक पबजी खेलना, तो अभी हम लोग पबजी खेलेंगे। अभी कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये बताना चाहता हूँ, क्या बोल ये बता चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पे पार्किंग का इश्यू है। ठीक है, बोला कितना बोले, हाँ मतलब पार्किंग माफिया जो है यहाँ पे बहुत इश्यू है, वो लोग आपको जो है परेशान करते हैं और जहाँ पे नॉन पार्किंग रहता है वहाँ पे। और एक चीज़ हमारे फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ कि हमने कुछ जो है चीज़ें खरीदे और हमने वो चीज़ वापस करने की हो गई बिकॉज नेक्स्ट दुकान में हाफ प्राइस में मिल रहा था। तो हमने वैसे मैंने ये आप वीडियो देखा रहेगा उसमें बता रहेगा होलसेल मार्केट में क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। हमने वापस करने को गए तो वो हम लोग को जो है और धमकी देने लगा कि हम वापस नहीं करेंगे, आपको कुछ लेना है तो और बिल्डर लोग को बुला लिया। सो दैट इज यस बाद में आया नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं क्योंकि मैं दूसरी जगह था, तो इनको पता है कि क्या है, ये लोग लेने गए। ये कुछ चीज हम लोग को अच्छी लगी, बाकी वी एंजॉयड एवरीथिंग टिल सो फार सो गुड। सेकेंड डे हम लोग का बहुत ही अच्छा था, बहुत एंजॉय, बहुत मतलब प्रोडक्टिव ही था कि हम लोग घूमे कि नहीं ऐसे होटल में बैठे और एंजॉय करें, तो मतलब बढ़िया था। बस तेजस बोलना चाहेगा अभी कुछ, ये कुछ बोलता नहीं आज तक, बोला नहीं बोलेगा अभी ना, तेजस ही कुछ बोलेगा। बोल भाई तू कुछ बोलना चाहता है, बोल बोल बोलना। मेरे हाथ में क्यों नहीं दे रहा है? नहीं ना देने का नहीं, बोल तू कट होगा, दिस इज माय चैनल सो यू हैव टू चो। ठीक है, अरे मुझे हाथ में तो दे, नहीं ना बोलना इधर, अब बोल लो, बोल। इट वाज अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ये कुछ बोलता नहीं है, ये बहुत छुपा छुपा रहता है, लड़की जैसा है। तो आप बताइए ना कि कैसा लगा, तो हमारे जनता जानना चाहती है, हमारे नेशन वांट्स टू नो कि तुमको कैसा लगा। बोल। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं तो है ना, मैं वापिस आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मासी रहती है, कल हम लोग नाश्ता क्या लंच करने के लिए जाने वाले हैं, तो इसका देखने वाले बोल वो कर। हाँ एक्चुअली मेरे फैमिली रिलेटिव्स हैं यहाँ पे और मैं वापस फिर से आऊंगा गोवा। यस आई एम कमिंग सून। इंग्लिश पीपल यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू, ये सिर्फ इतना ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो ज्यादा बोलता तो उसके यहाँ से हवा निकल जाती है। हाँ वो दांत पे थोड़ा प्रॉब्लम है और चेहरे पे भी थोड़ा खड्डे खड्डे यहाँ पे, तो गाड़ी चलता नहीं यहाँ पे, तो ये क्या ब्लेड भी यूज करता है तो ब्लेड खराब हो जाता है, 2-3 बार यहाँ पे ब्लेड डालने पर बैंड हो जाता है। तो अभी हम सो रहे हैं, सोने रहे एक्चुअली, एक गेम खेलने वाले हम लोग यार, एक गेम नहीं नहीं हम लोग पबजी नहीं खेलते, वी आर अगेंस्ट द पबजी, नो नो सर अगेंस्ट नहीं, मैं घर पे दिखाऊंगा ये अगेंस्ट पबजी क्योंकि खेलता नहीं है हम लोग। हाँ खेलते हैं, इसको अभी थोड़ा सिखा रही किस तरीके से खेलना है। ये पबजी के अंदर कैसे खेलता है ना, क्या ये हम लोग का मेडिक है, वो भी बेकार वाला मेडिक, हम लोग मरते हैं तो मरने के बाद आता है ये। ऐसा बकवास हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर अभी देखते हैं कैसा होता है। तो आज का वीडियो यही खत्म कर, तो अभी एक प्रॉब्लम ये हो गया था, मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था हम लोगों को पता नहीं, तो क्योंकि 2-3 मिनट का इसने जो भाषण दिया ना वो हम लोग ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सूरज once more यार, once more जो माहौल हम लोग ने बनाया था मस्त बनाया था, तो एक्चुअली बात ये हो रहा था कि वीडियो हम लोग क्लोज कर रहे थे, क्लोज करते समय हम लोग रिकॉर्ड बंद हो गया। सो एनीवेज वीडियो भी यही रखता, हम लोग अभी पबजी खेलने ऑलमोस्ट 2 बजने का आया, नींद किसको भी नहीं आ रहा, फुल धमाल के मूड में। तो मिलते यार कल, मिलते हैं डे 3 हम लोग का, कल भी बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे स्टे ट्यून, अच्छे अच्छे जगह भी एक्सप्लोर करने वाले, मतलब लाइक चर्च है, फोर्ट्स है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब बहुत जगह जगह है, तो हम लोग एक एक जगह देखने वाले हैं क्योंकि ये बंदा लास्ट टाइम जो है इसने एक्सप्लोर नहीं किया बहुत अच्छे, तो अभी हम लोग करेंगे। सो फार सो गुड नहीं कॉपी नहीं करते किसी के। तो एनीवेज वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके बाद इसने बहुत कुछ बोला था, अभी मैं बोले नहीं पता, कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना, बस इतना बोलना कि गाइस डू शेयर लाइक डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, और घंटा भी बजाना प्लीज, बस लाइक सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बाजू में घंटा ऑल पे सिलेक्ट करना, ताकि आपको कोई भी अगर वाहियात भी चीजें करे तो आपको नोटिफिकेशन आए। गॉट इट डन, बाय बाय बाय।